हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब्स एज सम ऑफ ओड नंबर्स। जो ये क्यूब्स है इनको आप सम ऑफ ओड नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे आपने स्क्वायर में किया था। उसके लिए फॉर्मूला आपका एन स्क्वायर था। इसमें हम करेंगे एन क्यूब। एन क्यूब में अब उसमें सारे कंसेक्यूटिव नंबर थे ओड नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग 1, लेकिन इसमें 1 से नहीं है, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, वेयर एन इज द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक 7, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, एन इज 7, 7 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे ओड नंबर्स को। 7 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 1 43। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 43, 43 आफ्टर दैट 45, 47, 49, 51, 53, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 odd numbers हो गई ये। This is answer, okay? Now next देखिए 8 cube. 8 क्यूब में भी आप सेम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे n इंटू, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, 8 इंटू 8 माइनस 1 प्लस 1, 8 इंटू 7 56 प्लस 1 57, 57 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो ओड नंबर्स है उनको हम नोट करते जाएंगे, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73। देखते हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, तो ये 71 तक आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 इंटू 11 माइनस 1 प्लस 1, 11 से स्टार्ट, 11 इंटू 10 110, 111। इसको सोल्व करना, ये 11 आएगा यहां से, 11 माइनस 1 करेंगे तो इंटू 10 हो गए ये प्लस 1, तो 111 से स्टार्ट करेंगे और 11 और नंबर्स हम नोट करेंगे यहाँ पे, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हुआ अभी, 29 एंड 131। यहां तक आपको ये नोट करना है। नाउ नेक्स्ट दिस पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स। आपको बताना है कि जो ये नंबर गिवन है कौन से ओड नंबर्स, जो ये क्वेश्चन गिवन है इनमें से कौन सा ओड नंबर का क्यूब है। तो इसके लिए आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वंस प्लेस देखेंगे सबका, वंस प्लेस, जिसमें वंस प्लेस ओड होगा उसका क्यूब भी ओड होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या, क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड, ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। और यहां पे क्या है, फाइव इज एंड फाइव इज
ओड नंबर, ये आपको वैसे नोट ऐसे करना था, 5 इज ओड नंबर सो क्यूब ऑफ 5 विल बी ओड। यहां पे मैं बता देती हूं, इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे नो करेंगे आप, क्योंकि इसका क्यूब ओड नंबर नहीं होगा। नो क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, इसमें नेक्स्ट में 9 है, ये ओड नंबर है, ओड नंबर का क्यूब ओड होगा, तो यहां पे करेंगे यस क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। नेक्स्ट 0 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, ओके इसको अपने आप से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 यू विल डू योरसेल्फ एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे, इसमें जो यूनिट प्लेस है उसका क्यूब करेंगे और जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे, वंस प्लेस, वंस डिजिट लिख लो या प्लेस लिख लो, वंस प्लेस ऑफ -135 इज 5, फिर आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब इक्वल टू 125 है। सो यहां पे वंस प्लेस क्या है, वंस या फिर यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू 5 दैट इज ओड नंबर, ओके। देन 24, अब 24 में भी आपको ऐसे ही करना है, ये सारे सेम होंगे, ओके सबसे पहले आप वंस प्लेस लिखेंगे, वंस प्लेस ऑफ 24 इक्वल टू 4, क्यूब ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64। सो वंस प्लेस यहां पे क्या आया, यूनिट डिजिट क्या आई यहां पे 4। ये रिमेनिंग अब आप अपने आप से करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने ये वाले किए हैं। पहले आप यूनिट प्लेस नोट करोगे, फिर उसका क्यूब करोगे और उसके बाद फिर आंसर नोट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव क्यूब अप टू 45 क्यूब। आपको 45 क्यूब तक सभी नंबर्स का क्यूब फाइंड आउट करना है। कैसे है ये आप इसको ऐसे लिखेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये कहां तक है अब सारा लिखना नहीं है आपको, 45 क्यूब तक करना है ये। अब इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड होल स्क्वायर, ओके ये फॉर्मूला हमारे पास है। यहां हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 45 n जिसमें क्या है, ये जो लास्ट नंबर है वो 45, ओके इसमें लास्ट नंबर लेते हैं हम n, देन n 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। अब इसमें आप एग्जाम में क्या करेंगे, ये स्क्वायर भूल जाएंगे, फॉर्मूला तो याद रहेगा आपको लेकिन स्क्वायर को भूल जाओगे, तो ये ध्यान रखिएगा। 2 से ये आप कैंसिल करोगे, 2 2 जा 2 3 जा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 23 यू विल गेट 1035 स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 107125, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ नंबर बिकम्स हाफ देन इट्स क्यूब बिकम्स 1/8। 1/8 ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, इसमें आपको प्रूव करना है कि अगर आप किसी नंबर का हाफ कर देते हैं तो जो उसका क्यूब होगा वो 1/8 हो जाएगा, ठीक है।
सो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इजी है। इसको हम एग्जांपल के साथ करते हैं कि मान लो आपने कोई नंबर लिया 4, इसका आपको क्यूब करना है, क्यूब ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू 64। अब आपको क्या करना है, नंबर बिकम्स हाफ। अब नंबर का हम हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ 4, हाफ ऑफ 4 क्या होगा, 4/2 आप हाफ करोगे, ये क्या आया 2। अब इसका हम क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 2 दैट इज 8। अब देखिए अगर आप क्यूब ऑफ 4 और क्यूब ऑफ 2 को देखते हैं तो आपको प्रूव क्या करना था कि जो हाफ करने के बाद आंसर आया वो उसका 1/8 होता है। अब ये कैसे, ये क्यूब ऑफ 4, इधर हम करेंगे क्यूब ऑफ 2, तो ये आपके पास क्या आया, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 2 8। अब आपको बताना कि जो गिवन नंबर था, गिवन नंबर हमने क्या लिया था, 4 लिया था ना, तो हम 4 के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा, यहां पे क्यूब ऑफ 4 ये किसके इक्वल टू होगा, आपको ये जो ये 64 है ये इसके डिवाइड में लिखना होगा क्योंकि आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या आएगा 8/64, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 8, तो क्यूब ऑफ 4 आपके पास क्या आया 1/8। आगे ये आपको प्रूव करना था 1/8 ऑफ द क्यूब, तो ये 1/8 आपके पास आ गया। थैंक यू।